हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संदीप ऑनलाइन क्लासेस। आज रे वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा इंडस वैली सिविलाइजेशन विषय रे। एही टॉपिक टी निश्चित रूपे विभिन्न एग्जाम मान कर आस्ते आपण जदि ओपीएससी एग्जाम दोचंती, एसएससी एग्जाम दोचंती, बस स्टेट लेवल लो कोनो से भी एग्जाम आपण अटेंड करचंती, निश्चित रूपे एही टॉपिक रो अनेक समय रे प्रश्न आसुची एवं ए वीडियो टी आपनको पई हेल्पफुल रहबो। काहेकि ना आज रे वीडियो रे आमे टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करबा को जाउ छे एवं समस्त एग्जाम पई निहाती रूपे एहा हेल्पफुल रहबो। आसंतु आरंभ करबा टॉपिक टी। टॉपिक टी आरंभ करबा पूर्वरु आपन एठे देखि पारथबे गोटे चित्र दिआइ छे एवं एई चित्र टी होउछि सर जॉन हबर्ट मार्शल। काहेकि एई पर्सन रो मु चित्र देखै छी, देखंतु जेते बेले आपण इंडस वैली सिविलाइजेशन कथा आलोचना करछंती, प्रथमे एई जो जॉन हबर्ट मार्शल अछंती से एई इंडस वैली सिविलाइजेशन रो आरंभ करथिले, से ही इंट्रोड्यूस करथिले एई इंडस सिविलाइजेशन कथा। आपण तो अनेक गुडी सिविलाइजेशन कथा जानिथिबे एवं एई इंडस वैली सिविलाइजेशन होछि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एवं एहार डिस्कवर करथिले फर्स्ट डिस्कवर ड्यूरिंग एन एक्सकैवेशन कैंपेन अंडर सर जॉन हबर्ट मार्शल। एई जॉन हबर्ट मार्शल कर तत्वावधान रे प्रथम करी इंडस वैली सिविलाइजेशन रो खोज हेतिला एवं से ही अनेक गुडे तथ्य हमकु देथिले। आज हमें जहां किछि भी आलोचना करबाक जाउ छी ए सब होउछि तांकर अवदान। तेणु करी तांकर पिक्चर टी मु प्रथमे देथिली, तो जदि केबे एग्जाम रे आसे हु डिस्कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, द आंसर इज सर जॉन हबर्ट मार्शल। नेक्स्ट देखंतु जो सिविलाइजेशन कथा उठुची, आमे पृथ्वी रे अनेक गुडी सिविलाइजेशन आमे देखिया को पाइबे, किंतु से समस्तक मध्ये जो एडवांस सिविलाइजेशन गुडा कथिला टोटल 4टी सिविलाइजेशन अछि जो टा कि एडवांस सिविलाइजेशन बोले आमे कहि परबा एवं सेही समय रे अनेक गुडी मॉडिफिकेशन हेछि, अनेक गुडी चेंजेस हेछि, से माने अनेक गुडी जिनिस रो व्यवहार सिखि चंती। से सिविलाइजेशन गुडी कहले फर्स्ट वन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड वन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, थर्ड इजिप्ट सिविलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज चाइना सिविलाइजेशन। ए जो 4टी सिविलाइजेशन अछि ए माने होछंती सबठारु एडवांस सिविलाइजेशन एवं ए समस्तक मध्यरु इंडस वैली सिविलाइजेशन ए अन्य सभ्यता मानक तुलना रे हाईली डेवलप थिला। ए समय रे बहुत नुआ नुआ इनोवेशन देखबा को मिलिथिला, ए टाइम पीरियड रे अनेक गुडे नुआ नुआ आविष्कार करा जायतिला। जदियो से समय रो कोनसी व्यक्ति कोनसी माने डॉक्यूमेंट नाही, किंतु जो डिस्कवर कराई छे विभिन्न तथ्य गुडी को तार आधार रे आमे कहि परबा जे इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। एहा सबटर गोटे एडवांस सिविलाइजेशन थिला अन्य मानक तुलना रे। निश्चित रूपे ए जो अन्य सिविलाइजेशन माने अछंती ए मानक समय रे मते बहुत किछि माने इनोवेशन हिथिबो, अनेक गुडे जिनिस देखबा को मिलि छि, किंतु इंडस सिविलाइजेशन को आमे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन बोलि कि कहि परबा। नेक्स्ट देखंतु जे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टी अछि इट इज नोन एज आईपीसी, शॉर्ट फॉर्म में ताको हम आईपीसी बोलि कि कहि थाउ एवं द अदर नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज हरप्पान सिविलाइजेशन। ए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पान सिविलाइजेशन बोलि कि मध्य बेले बेले कहा जाय थाए एवं केवल एति कि नुहे तार आहुरी मध्य अनेक गुडे नाम रहिछि, जेपर कि ताको सरस्वती सिविलाइजेशन बोलि कि कहा जाय थाए, सरस्वती कल्चर बोलि कि कहा जाय थाए, हिंदू सरस्वती सिविलाइजेशन बोलि कि मध्य कहा जाय थाए, किंतु कॉमनली इट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ता सहित देखंतु द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हरप्पा इन द पंजाब रीजन। प्रथमे ए जो इंडस सिविलाइजेशन टी 1921 रे आइडेंटिफाई करा जायतिला, ताको खोजी की आविष्कार करा जायतिला एवं एहा हरप्पा ठारे ही देखिबा को मिलीथिला, जहा की पंजाब अंतर्गत अटे एवं पंजाब रे ही ताहा देखिबा को मिलीथिला। नेक्स्ट देखंतु इन 1922 एट मोहेंजोदारो आइडेंटिफाइड नियर द इंडस रिवर इन द सिंध रीजन। द्वितीय रे कोन हेतला, प्रथमे जो हमर जो इंडस सिविलाइजेशन कथा में आलोचना करू छे, इंडस सिविलाइजेशन कॉमनली दुईटी माने साधारण भाबे दुईटी बड़ बड़ ना को नै कि एहा जणा सुणा अटे, गोटे हला हरप्पा एवं अन्यटी हला मोहेंजोदारो। से हरप्पा को 1921 मसिया रे आविष्कार करा जायतिला एवं 1922 मसिया रे मोहेंजोदारो को आइडेंटिफाई करा जायतिला।
এই দুইটি বড় বড় সহর যাহাকে আমাকে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কথা জনাই থাকে বা সেসব বিষয়ে অনেক কিছু তথ্য আমাকে দেই থাকে এবং এই যে 1922 রে মহেঞ্জোদারো আইডেন্টিফাই করা যাইতিলা তাহা ইন্ডাস রিভার নিকটরে করা যাইতিলা ইন দা সিন যেটাকে আমি সিন্ধ রিজন বলে কি কইছে সে নিকটরে এহা দেখিবাকু মিলিতিলা নেক্সট দেখন্তু যদি আমি আলোচনা করিবা তার টাইম পিরিয়ড কথা এই টাইম পিরিয়ডটি কেবে থিলা মানে ইন্ডাস সিভিলাইজেশন কেবে থিলা তাহলে তার করেক্ট তার টাইম পিরিয়ড কেহি কহি পারি নাহিতি বা জনা পড়ি নাহি কিন্তু এহা অলমোস্ট 750 ইয়ার্স কু নেকি টাইম পিরিয়ড বলি কি তার কোহা যাই থাই এবং যাহা কি 2500 বিসি রু নেকি 1750 বিসি পর্যন্ত অটে এ যে 750 বর্ষ টিকিলা এই টাইম পিরিয়ড টিকু আমি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন র পিরিয়ড বলি কি কহি পারিবা কিন্তু এ নেকি কোনসি কনফার্ম তথ্য এ পর্যন্ত আসি পারি নাই তেণু করে এই টাইম পিরিয়ড কু হি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন র টাইম পিরিয়ড বলি কি কোহা যাই থাই নেক্সট দেখন্তু আমি আলোচনা করিবা এরিয়া কভার মানে কো কো স্থান পর্যন্ত কো কো এরিয়া পর্যন্ত এই ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন টি ব্যাপি ছিলা প্রথম কথাটি হেলা যে তো ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইট মিন্স আইভিসি এক্সটেন্ডেড ফ্রম পাকিস্তান বালুচিস্তান ইন দা ওয়েস্ট যদি আমি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিয় কথা আলোচনা করিবা তাহলে পশ্চিমরে এহা পাকিস্তান র বালুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত মানে বিস্তৃত ছিলা যদি আমি পূর্ব কথা আলোচনা করিবা উত্তরপ্রদেশ ইন দা ইস্ট আমার যে ইন্ডিয়ারে উত্তরপ্রদেশ রয়েছে এহা তিলা উত্তরপ্রদেশ তিলা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন র ইস্টার্ন পার্ট যদি আমি নর্থ সাউথ কথা ডিসকশন করিবা তাহলে বর্তমান র যে আফগানিস্তান রয়েছে আফগানিস্তান ইন দা নর্থ আফগানিস্তান পর্যন্ত উত্তর দিকে তাহা বিস্তীর্ণ ছিল এবং যদি আমি দক্ষিণ দিক কথা আলোচনা করিবা সাউথ পার্ট তাহা যে গুজরাট স্টেট রয়েছে গুজরাট স্টেট পর্যন্ত এহা কভার করুথিলা ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ কু এই চারোটি আমি যে ডাইরেকশন আলোচনা কলে এই এই স্থান পর্যন্ত এহা ব্যাপিকি থিলা এবং এর অন্ডরে অনেক গুড়ে স্থান আসুচি যেপরিকি সিন বালুচিস্তান পঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান গুজরাট আলমগড় ওয়েস্টার্ন ইউপি নর্দার্ন মহারাষ্ট্র পাকিস্তান নর্থ ইস্ট আফগানিস্তান তো এই সব অঞ্চলকু নেকি এই যে ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এয়া সব মানে বিভিন্ন অঞ্চল গুড়িক আসুথা এসবু আমি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বলে কি কই পারিবা যদি আমি এর যদি কেতে ডিসটেন্স ব্যাপি তাহলে যদি আমি তাকে যদি মেজর করিবা ইট কভার মোর দেন 386,000 স্কোয়ার মাইল যদি আমি মাইলস রে কনভার্ট করি কি কইবা তা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইট ইজ নট এক্সাক্ট ফিগার ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 386,000 স্কোয়ার মাইলস পর্যন্ত এহা ব্যাপি থিলা এরিয়া কভার করিতিলা আর যদি আমি স্কোয়ার কিলোমিটার হিসাবে কনভার্ট করিবা দেন ইট ইজ কল্ড এজ 10 লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার ইট মিন্স এহা বহুত গোটে বিরাট এরিয়া পর্যন্ত ব্যাপি কিতিলা যদি আমি কহিবা এই যে এরিয়াটি অছি এহা নিশ্চিত রূপে সমস্ত সিভিলাইজেশন মানক মধ্যরু সবটারু বেশি এরিয়া কভার করিতিবা এক সিভিলাইজেশন অটে তেণু করে ইভিন বিগার দ্যান দ্য সিভিলাইজেশন অফ এনসিয়েন্ট ইজিপ্ট এন্ড মেসোপটামিয়া কম্বাইন্ড যদি আমি ইজিপ্ট এবং মেসোপটামিয়া সভ্যতাকে কম্বাইন করিবা মিশাই দেবা তাঠারু মধ্যে এহা অধিক এরিয়াকে কভার করিতিলা এই সিভিলাইজেশনটি নিশ্চিত রূপে এহা এক গোটে বড় সিভিলাইজেশন বলি আমি গণনা করি পারিবা সমগ্র বিশ্বরে নেক্সট দেখন্তু যে এই যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন টি থিলা তার যে লার্জেস্ট সাইট গুলিক দেখিও মিলিছি বা বড় বড় শহর গুলিক যদি কথা আমি আলোচনা করিবা তাহলে ফার্স্ট লার্জেস্ট সাইট অফ আইভিসি ওয়াজ মহেঞ্জোদারো এবং সেকেন্ড লার্জেস্ট সাইট অফ আইভিসি থিলা হরপ্পা মানে এই মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা টি এই দুইটি লার্জেস্ট সাইট ডিসকভার করা যাইতিলা ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন র যাহা কি সবুঠারু বড় থিলা মহেঞ্জোদারো এবং সেকেন্ডলি থিলা হরপ্পা এবং যদি আমি ইন্ডিয়ার কোটা যদি লার্জেস্ট সাইট কথা যদি চিন্তা করিবা তাহলে ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট সাইজ ওয়াজ রাখি ঘরি যেটা কি বর্তমান হরিয়ানারে ঠাব করা যাইছিল দেখিবাকু মিলিছিলা এইপরি ভাবে আমি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন যে বড় বড় লার্জেস্ট সাইট গুলি কথিলা আমি দেখি পারিবা নেক্সট যদি আমি সেই সময়ে হতবা যে মেন ক্রপস মানে কোন প্রকার শস্য হতলা কোন প্রকার সে সময়ে চাষ করা যাইতলা তাহলে যে দেখিবা তাহলে যে এভিডেন্স মিলিছি বা যে তথ্য পাই পাচ্ছন্তি প্রমাণ পাইছন্তি তাহা সূচাই থাকে যে দ্য টিম ফাউন্ড এভিডেন্স দ্যাট হুইট বার্লি এন্ড
Peas were grown in the winter and rice, millet and tropical beans were grown in the summer. तो एक परी भावरे winter season रे wheat करा जाओ थला, barley करा जाओ थला, विभिन्न peas करा जाओ थला, ये सब वो करी बारा तथ्य मिली ची, ये सब उड़ का winter season रे हो थला. एवं जदि हमें summer season रे जदि crops कथा discussion करी बा, ताहले rice, millet and tropical beans, these were the crops which were found or which were grown by the Indus Valley civilization peoples in the time of summer. ग्रीष्म ऋतु रे एई सबुर ए माने चास कार्य करथुले एई परि भाव रे से समय रे विभिन्न प्रकार से माने चास कार्य करथुले एवं समान को चास कार्य जणा थिला जेहेतु ए जो एविडेंस मिली छे एविडेंस जणा पडछि जे से टाइम रे लोक माने कोन करथुले चास कार्य को भलो भाव रे से माने जानथिले एवं सबठर आश्चर्य कथा हैला जे से लोक मानन को कॉटन जोटा के मैं कपा बोली कहूँ तार व्यवहार से को जाना था यूज ऑफ कॉटन वाज नोन टू द पीपल ऑफ आईबीसी से माने कपा चासा कर जाना थले अब जेहेतु से माने कपा चासा करथले निश्चित रूप से वस्त्र मध्य तैयारी करथले फास्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड एवं कहा जाए जे कॉटन र सबठारो विश्व रे प्रथमे एई इंडस वैली सिविलाइजेशन र जो लोक माने थले से माने तार यूज करथले बा प्रोडक्शन करथले एवं आईबीसी बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जोटा के हमें ब्रोंज एज बा चालकोलिथिक एज बोली की कोई था आईबीसी ए समय रे बा ए टाइम पीरियड रे ही आसी थला जदी हमें एजेस कथा चिंता करबा एटा जो ब्रोंज एज कथा कहा गला टोटल हमर जो अछि हमर चारोटी एज रे डिवाइड करा जाय था गोटी हला स्टोन एज सेकंड कॉपर एज थर्ड ब्रोंज एज एवं चतुर्थटी हला आयरन एज ए चारोटी जो एज टी अछि ए चारोटी एज मानन को मधरो आईबीसी ब्रोंज एज रो अंतर्गत थिला अर्थात से समय जो लोक माने थिले से माने स्टोन कॉपर एवं जो ब्रोंज अछि एहार व्यवहार से माने जानि नथिले कि जानि थिले किंतु आयरन रो व्यवहार जानि नथिले जेहेतु से माने ब्रोंज एज रो अंतर्गत आछन्ति निश्चित रूपे से माने स्टोन एज को क्रॉस करिके आछन्ति कॉपर एज को क्रॉस करिके आछन्ति एवं ब्रोंज एज रे से माने पहुंचि तथि तो एई सब रो यूज मान को जणा थिला बट ए जो आयरन टी अछि जेहेतु सेने आयरन एज पर्यंत आसी नथिले तेणु करी सेमानको आयरन रो व्यवहार जणा नथिला बा ए माने आयरन रो यूज को जानि नथिले जहा जणा जाउछि आयरन रो व्यवहार वैदिक पीरियड रे हितला मने रखंतु जे ए जो आयरन कथा उठु छि आयरन रो यूज को वैदिक पीरियड रे लोक माने यूज करथिले नेक्स्ट आमे आसीबा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज से समय रे जो शहर गुडी कथिला ताकु कोन भली भाब रे कंस्ट्रक्शन करा जाइतिला से माने कोन कोन जानिथिले देखंतु निश्चित रूपे जो आइडेंटिफाई करा जाइतिला मोहेंजोदारो एवं हड़प्पा सिटी को सेथरु अनेक गुडी तथ्य मिलिथिला एई कंस्ट्रक्शन को नेकी प्रथम कथा टी हेथिला जे द ग्रिड पैटर्न से समय रे जो शहर रो तयारी करा जाइतिला शहर टी ग्रिड पैटर्न रे तयारी करा थिला माने गोटिए गली अन्य गली सहित 90 डिग्री रे मैच करूतला आपण गोटिए गली को जदी ढुकुचंती ताहेले निश्चित रूपे आपण रास्ता रे जाइकी पहुंचिबे वर्तमान जो शहर गुड़िक अछि ए शहर गुड़िक जो पैटर्न रे तयारी करा छि मॉडर्न सिटी जहाँ कि आप रायपुर कथा चंडीगढ़ सहित आम कंपेयर कर पारिबा अर्थात वर्तमान जो प्लानिंग रे सिटी गुड़िक कंस्ट्रक्शन होउछि से टाइम रे तांकु ए ग्रिड पैटर्न जेहेतु से यूज करथिले निश्चित रूपे वर्तमान टेक्नोलोजी से जाना थिला अर्थात वर्तमान सहित से टेक्नोलोजी एडवांस थिला नेक्स्ट यूज ऑफ बर्न बिक सेने जो घर गुड़िक तैयारी करथुले तांकर घर गुड़िक पूरा ईटा रे तैयारी होतला अर्थात लोक माने ईटा तैयारी करथुले ताकु पोरुथुले देन से माने घर तैयारी करथुले माने वर्तमान समय आमे जो भली भाव रे पूरा ईटा रो घर तैयारी करूछे से माने ठीक सही ढंग रे ही तैयारी करथुले अर्थात से माने जणा थिला से मानको ए सब कथा तो एतिरो आमे अनुमान करि पारिबा जे निश्चित रूपे से समय लोक माने एडवांस थिले तांकर जो टेक्नोलॉजी यूज करा जाउतला तांकर जो थिला सब व्यवहार गुड़िक निश्चित रूपे एडवांस उन्नत धरण थिला नेक्स्ट गोटे सब बड़ कथा से देखा मिली जिते बेले हड़प्पा मोहेंजोदारो को डिस्कवर करा जाइतिला जे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम सेमानकर जो ड्रेनेज सिस्टम थिला सेमानकर जो जलटी को निष्कासन करथिले तांकर जो ड्रेनेज सिस्टम थिला ता अंडरग्राउंड थिला वर्तमान जो बोली बाबरे हमर जो सिटी गुड़िक रहउछि सिटी गुड़िक जो माने सिटी गुड़िक जो हमर वर्तमान प्री प्लान करा जाउछि ड्रेनेज सिस्टम को अंडरग्राउंड करा जाउछि जेपर लोक माने कोनो से असुविधा न भोगंतु ठीक सही ढंग रे ही से समर ड्रेनेज सिस्टम थिला नेक्स्ट आउ गोटे बड़ कथा हैला जे लोअर एंड अपर टाउन
से समय जो टाउन गुड़िक प्लानिंग करा जाउतला लोअर टाउन थिला एवं अपर टाउन थिला जहाँ कि अनेक गुड़े जिनिस प्रति आम को इशारा करुछि संकेत दउछि एवं कहा जाए जे जो लोअर टाउन गुड़िक थिला ताहा टिके निम्न स्तर लोक मान को पाइथिला एवं जो अपर टाउन टी थिला अपर टाउन रे सम्भ्रांत श्रेणी लोक मैंने बसवास करते आम कहीपर कि धनी वर्गर लोक मैंने जो मैंने कि अपर टाउन व्यवहार करते अपर टाउन रोक मैंने लोअर टाउन रोक मान कि शासन करुले बोल कि नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट टी हूँ जे ग्रेट बाग जो गाधवा घर टी मिली 6x12 जो मीटर रो जो गुटे डिस्कवर करा जितला जो चित्र टी आपन देखि पारथिबे एहा गुटे होचे ग्रेट बाग जाकि डिस्कवर करा जितला एवं एहा गुटे बहुत माने हाईली टेक्निक यूज करा जाय कि कंस्ट्रक्ट करा जितला तो एथरु जणा पडुचे जे निहाती रूपे ए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो लोक माने मानकु मैथमेटिकल मेजर बिषयरे मध्य जणा थिला से माने एक्यूरेटली जो ढंग से तैयारी करछंती ए सब को जदि हमें देखिबा निश्चित रूपे से मानकु गणित रो व्यवहार मध्य तांको आसुतला तो एई परि भाबरे जदि हमें सिटी रो कंस्ट्रक्शन को जदि देखिबा एथिरु से मानकर जो सभ्यता रो उन्नत मान जो व्यवस्था थिला एथिरु स्पष्ट भाबरे जणा पडुछि। नेक्स्ट हमें रिलीजन को चिंता करबा वर्तमान जो भाबरे अनेक गुडी रिलीजन रे डिवाइड हे छि देश से समय कोन थिला कि तो जेहेतु एई जो डिस्कवर करा जाय छि there was no temple found at the time of that discover of that town jete bele ei sahar gudi kar abishkar kara jai chi se samare konsi mandir se mane thaba kori pari nahanti ethiru spashta bhabare jana pulu chi je indus valley civilization ro lok mane kete bele bi mandir puja karu nathile। next point the indus people probably worship mother goddess in addition to male and female deities कहा जाए जे से समय जेहेतु मंदिर प्रचलन नथिला किंतु केवल एक पुरुष भगवान एवं गोटे महिला देवी से समय पूजा कर जाउतला एवं से माने कि दे वर्शिप ए फादर गॉड से गोटे पुरुष देवता हु माइट बी ए प्रोगेशनर ऑफ द रेस एंड प्रोबेबली वाज ए प्रोटोटाइप ऑफ शिव। कहा जाए जे से समय जो जेहेतु मंदिर नथिला किंतु से देवादेवी को पूजा करुले एवं से माने बर्तमान जो आम 33 कोटी देवी देवंकर कथा कह जाय थाय से समय सेमिति नथिला से समय केवल गोटे मेल गॉड एवं गोटे फीमेल गॉडेस थिले। मेल गॉड को महादेव बोली कि कहते थिला बजा को आम प्रोटोटाइप ऑफ शिव बोली कि मध्य कहि परबा एवं जोटा फीमेल गॉडेस थिले ताको मदर गॉडेस बा मातृशक्ति बोली कि कहा जाय। मेल गॉडेस को पशुपति महादेव बा जे को कैलाश पर्वत रे आम महादेव बोली कि कहता ध्यान मुद्रा जे कि थांती गोटे योगिक पोस्चर रे अर्थात ताहा शिवंकर एक ध्यान मुद्रा अटे एवं आम समस्त जानी चारिपटे चारोटी एनिमल थी एलिफेंट बफालोज टाइगर एंड रिनोज तो से माने महादेव को माने तांकर मेल गॉड हिसाब रे पूजा करतुले एवं फीमेल गॉड हिसाब रे मातृशक्ति बा माता पार्वती को से माने पूजा करतुले बोले कि कहा जाय थाय। नेक्स्ट आमे जदि डिस्कशन करबा जे से समय को एनिमल थिले तो से समय कहा जाए जे एनिमल हैव लायन हैव नॉट बीन फाउंड एनीवेयर इन आईबीसी से समय जदि अनेक गुड़े जीवजंतु देखा मिली किंतु सिंह कौन से प्रकार सूचना मिली ना सिंह व्यतीत अनेक गुड़े पशु से देखा मिली हॉर्स हैव बीन फाउंड इन सोरकोटाडा सोरकोटाडा बोल कि गोटे स्थान अच्छी जोटा कि घोड़ा किसी अवशेष मिली तो यूर जना पड़े से टाइम लोक मैंने हर्स व्यवहार करते। नेक्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इनक्लूड डॉग एंड कैट विभिन्न गुड़े से मैंने गृहपालित पशु को से पालुले बर्तमान समय जो भाव में कुकुर एवं मानने बिले को घर आम पोषा जंतु भाव में रखि था से भाई भाव में से समय से जीवजंतु को करते। हमटेड एंड सर्टन कैटल डोमेस्टिक फॉल पिग्स कैमल्स एंड बफालो ये सब जीवजंतु को से माने कोन करथिले तांकर गृहपालित पशु हिसाब रे से माने पोसुथिले पर से मानकु जीवजंतु कर व्यवहार जणा थिला एक्सेप्ट लायन सिंह को छाड़ी कि अन्य समस्त जीवजंतु को विषय रे से मानकु जणा थिला। एटा गुटे चित्र मध्ये आपण देखि पार्थिबे ए चित्र माध्यम रे दर्शा जाय छि विभिन्न जीवजंतु कर अवशेष विषय रे तो निश्चित रूपे से मानकु जणा थिला ए चित्र रु जहा जणा पडु छि एवं सबुठ बड़ कथा है जे से इकोनोमी एवं ट्रेड विषय जनाथिला जदि यार किसी
माने प्रमाण मिली नाही कोनसी ठोस प्रमाण सठिक तथ्य दे पारि नहंती काहे केहि भी किंतु कहा जाय जे आईबीसी रो जो लोक माने थिले से समय रे से माने इकोनॉमी एवं ट्रेड को नेकी से माने तांकर व्यवस्था थिला एवं भिन्न भिन्न मतमत प्रकाश पाइछि विभिन्न अंक द्वारा किंतु सठिक तथ्य केहि दे पारि नहंती प्रूफ नाही किंतु जदि आमे आलोचना करिबा जे से समय जो परिवहन पाई कोनसी सुविधा नथिला कोनसी ट्रक बस एरोप्लेन रो यूज नथिला किंतु किछि लोकंकर अनुसार जो मुद्रा गुड़िक मेसोपोटामिया रे देखिबा को मिलिथिला सेही मुद्राटी चाइना रे मध्ये देखिबा को मिलिथिला से समय रे आमे जानि छी जे वर्तमान जो भली आमे एरोप्लेन रो यूज अछि ट्रक बस रो यूज अछि से समय तो से सब नथिला किंतु सेने जदि वाणिज्य करथले ट्रेड करथले त करथले केमिथि तो एथरु जणा जाउछि जे प्रमाण नथिले मध्ये एहा गुटा में प्रमाण बोली धरि पारिबा जे जो क्वांटिटी मेसोपोटामिया रे मिलिथिला सेही क्वांटिटी चाइना रे मिलिथिला जदि एमानक मध्ये जदि किछि ट्रेडिंग हो नथिला ताहेले एमाने क्वाइन रो एक्सचेंज हेला कि परि त एठर गुटे क्वेश्चन आसी जे एमाने कि भली भाबरे क्वाइन रो एक्सचेंज थला ए कथा त संभव नहि जे जोटा गोटे सिविलाइजेशन रे अछि सेटा अन्य सिविलाइजेशन रे मिलिबो जोटा चाइना मिलिछि सेटा मेसोपोटामिया रे मिलिबो बा इजिप्ट रे मिलिबो किंतु जेहेतु मेसोपोटामिया रे जो क्वाइन मिलिथिला से क्वांटिटी चाइना रे मिलिथिला निश्चित रूपे एहा गोटे प्रमाण अटे गोटे प्रूफ अटे जे से समय रो लोक माने परस्पर सहित ट्रेडिंग करथले बा तांकर व्यवसाय थिला एवं कोन कोन समय ट्रेडिंग करथले गोटे अनुमान करा जे पारिबो जे दे ट्रेडेड विथ मेनी डिफरेंट सिविलाइजेशन लाइक पर्सिया मेसोपोटामिया एंड चाइना ए समस्तक सहित ए सिविलाइजेशन मानक सहित इंडियन सिविलाइजेशन रो ट्रेडिंग होतला ए जो आमर क्वाइन को जदि आमे बेस करिक जदि कहिबा निश्चित रूपे एहा एक प्रमाण अटे कोन होतला सम गुड्स दैट वर ट्रेडेड वर टेराकोटा पॉट्स बीड्स गोल्ड सिल्वर कलर जेम्स लाइक टर्क्विशन एंड लेपिस लाजुली मेटल्स क्लिंस सी सेल्स एंड पियर्स ए सब को ट्रेडिंग करा जाउतला बोली कि आमे कहि पारिबा विभिन्न जिनिस बदलले विभिन्न जिनिस सहित ताकर एक्सचेंज होतला बोली कि मध्य आमे कहि पारिबा जेहेतु समस्त सिविलाइजेशन रे सब जिनिस मिलबा संभव नै जेपर कि वर्तमान समय रे आमे जो गुडी कर प्रोडक्शन चाइना रे होची से प्रोडक्शन गुडी कर इंडिया रे हे पा नै से प्रोडक्ट गुडी कर प्रोडक्शन हे पा नै त निश्चित रूपे आमर जो ट्रेडिंग ता होची एक्सचेंज करा जाउची से समय रे मध्य ए सब गुडी कर बहुत एक्सचेंज हिथिबो तेणु करि आमे कहि पारिबा जे सानक मध्य रे ट्रेडिंग ता होतला एवं से समय रे किछि सील मध्य मिलिछि हरपान सील मध्य देखबा को मिलिछि जो सील की गोटे सूचना अटे जे एहा ट्रेडिंग करा जाउतला बोली के नेक्स्ट देखंतु रीजन ऑफ डिक्लाइन कोन पाई लास्ट मैन आज कोन पाई हमर जो सिविलाइजेशन टी थिला कोन पाई सिविलाइजेशन टी ध्वंस होइतला देखंतु एहार कोनसी एक्सेप्ट प्रूफ मिलि पारि नै कोन पई ए सिविलाइजेशन रे ध्वंस होइतला तार अनेक गुडी कारण आमे नै पारिबा जेपर कि किछि आर्य माने ताकु मारि देले एहा गुटे रीजन हेति पारे होय त किछि भूकंप हेतिबो बन्या हेतिबो किछि दुर्भिक्ष देखा दैतिबो एपले अनेक गुडी कारण हेइ पारे जहा कि स्पष्ट सूचना मिलि नै किंतु एहि परि भाबरे ए सिविलाइजेशन रो ताकर जो पतन हेछि एवं ताकु ने कि फिल्म मोहिंदार जो फिल्म हेतिला हृतिक रोशन रो आपन माने देखिथिबे मध्य ता मध्य किछि डाटा हमकु देइ थाए ए सिविलाइजेशन रो जो पतन हेछि ताकु ने कि फिल्म मध्य हेछि त एहि परि भाबरे इंडस वैली सिविलाइजेशन टिक को आमे कवर करनेले आशा करछि निश्चित रूपे भी जोटी आपन को पई हेल्पफुल रहइबो भिडियो पसंद लागले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं जो माने चैनल रे नवा छथि निश्चित रूपे चैनल टिक को सब्सक्राइब करनेउ थैंक यू।